चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। अब पर्यटकों को घांघरिया से फूलों की घाटी जाने वाले रास्ते पर चढ़ाई नहीं करनी होगी। वन विभाग पुराने रास्ते को फिर से तैयार कर रहा है। फूलों की खुशबू से गुलजार ये विश्व धरोहर फूलों की घाटी है। एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ भी नजर दौड़ाएं, महज फूलों के गुलदस्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। इन फूलों से भरे रास्तों पर कांटे भी हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए और इन रास्तों को मखमली बनाने के लिए कोशिश जारी है। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के पड़ाव खंगरिया तक करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई वाला पैदल रास्ता अब नहीं चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वन विभाग घाटी जाने के लिए पुराना मार्ग फिर से बनाएगी। इससे न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि वक्त भी बचेगा। घगरिया में जो हमारा वैली का गेट है, उसके आगे 2 किलोमीटर आगे पुल है। पुल के बगल से एक रास्ता पहले सीधे जाता था, जो कि बामनधौड़ के पास निकलता था। 2013 के आपदा के बाद 14-15 में एक नया रूट बनाया गया था। उस रूट में चढ़ाई ज़्यादा है थोड़ी सी। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराना रास्ता है, बरसात को छोड़ के बाकी समय में हम उस रास्ते को तैयार कर वहाँ से पर्यटकों को ले जाएंगे।